के ताजबाग परिसर स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम के प्रलंबित काम जल्द से जल्द शुरू करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से आंदोलन किया गया। पार्टी की ओर से कहा गया है कि पिछले 25 सालों से स्टेडियम का काम प्रलंबित है। महाराष्ट्र के नए बजट में भी कोई निधि नहीं दी गई है। जहां एक ओर ताजबात का विकास हो रहा है, वहीं दूसरी ओर इस ओर अनदेखी की जा रही है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि अगर सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो अगला आंदोलन उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निवास स्थान के सामने किया जाएगा। ये जो हरपुर नगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जिसको श्यामबाग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है, ये श्यामबाग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पिछले 30 साल से NIT असफल तरीके से उसको डेवलप करने का प्रयास कर रही है। अब ये NIT बार बार क्यों असफल हो रही है, इसका हमको बहुत बड़ा वो है प्रश्न है। दूसरा ये तो है क्योंकि NIT क्यों असफल हो रही है, दूसरी बात ऐसी है कि ये अधूरा पड़े रहने से वो कबाड़ खाना हो गया, पूरा का पूरा कबाड़ खाना हो गया है, और आगे चल के और भी इसकी हालत ख़राब हो जाएगी। वहाँ चोर उचक्के और असामाजिक तत्वों का बहुत बोलबाला हो गया है, अंधेरा छाया रहता है, वहाँ पे लोगों ने कचरे का डंपिंग यार्ड बना दिया है। इसके वजह से पूरे परिसर में दुर्गंधता तो हो ही रही है, वहाँ की सुरक्षा भी धोखे में आ गई है, और वहाँ पे सुंदरीकरण नाम का कोई भी चीज़ नहीं, जबकि ताजबाग सुंदरीकरण हो रहा है और वो तो एंट्रेंस है ताजबाग का, वहाँ तो बहुत ही जीरो सुंदरीकरण है। वहाँ तो सब चारों तरफ आपको वो कचरा ही कचरा दिखेगा। आप अगर वहाँ जाके देखेंगे तो स्टेडियम के चारों तरफ रोड में बहुत कचरा पड़ा और उसमें दुर्गंध भी आती है। हमारी मांग ये है कि भाई ये स्टेडियम का जो अधूरा पड़ा हुआ काम है इसको पूरा किया जाए, और ये काम इसलिए पूरा, हमको ये विश्वास है कि हम आंदोलन नहीं करेंगे तो ये काम पूरा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के 3 मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे, उसमें शिक्षा, स्पोर्ट और हेल्थ, ये 3 मुद्दे, और ये तीनों मुद्दे पिछली सरकारें इस पर ध्यान नहीं दे रही। क्यों ध्यान नहीं दे रही है, इनको मालूम है कि ये तीनों मुद्दे जो है इसके वजह से जो आम आदमी है अगर शिक्षित हो जाता है तो उसको सोचने समझने की शक्ति आ जाती है, वो स्पोर्टी हो जाता है तो उसका समझ दूरपना भी अच्छा हो जाता है, तीसरा उसका हेल्थ अच्छा रहता है तो वो आगे जाके विरोध करने की उसके पास ताकत आ जाती है। तो इस वजह से ये चाहते हैं कि जो आम आदमी रहे वो एक साधारण आदमी सरीका रहे, अपने इसमें उलझनों में उलझन रहे, और इसलिए वो आम आदमी को अच्छे तरीके से बढ़ने नहीं देने चाहने के लिए ये आंदोलन। तो अभी यहाँ पर हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ये पहला हमारा स्टेप है। 7 से 10 दिन के बाद ये मेन रोड पे आंदोलन होगा, उसके 10 दिन बाद सक्करदरा चौक पे होगा, उसके बाद NIT के सामने होगा, और उसके बाद वो अपने कलेक्टर ऑफिस के सामने होगा, बीच में फडणवीस सर के घर के सामने भी हो सकता है। अभी लोगों में जन जागृति करके वहाँ तक मैसेज पहुँचा रहे हैं कि हमारे लोग सब वहाँ तक अभी धीरे धीरे पहुँचेंगे। लोगों को क्या है कि अपने काम में उलझे हुए, लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि अपन अगर हेल्दी रहेंगे, अपन स्पोर्टी रहेंगे, अपने को शिक्षण मिलेगा तो अपने पास ऐसी भरपूर वो आ जाएंगी, ताकत आ जाएंगी, ये लोगों को पता नहीं। ये हम ताकत डेवलप कर रहे हैं लोगों में ताकि वो गवर्नमेंट को प्रश्न पूछ सके, उनका विरोध कर सके, और जब गवर्नमेंट को प्रश्न पूछने लायक आम आदमी बनेगा तब हमारी जो है गवर्नमेंट सुनेंगी, ऐसी हमारी भावना है। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद अली जाफरी है, मैं MBBS MD हूँ और मैं विदर्भ का हेल्थ का संयोजक हूँ। NBCN न्यूज़ के लिए अजीत कुंवर के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।